सबसे पहले पानी में वॉश करें चिकन को अच्छे तरीके से, और इस तरह से आप चारों तरफ कट कीजिए ताकि मसाले उसमें आ सकें। ऐसे कट करने का कारण यही है कि मिक्स्ड इंग्रेडिएंट्स जब रैपिंग करेंगे तो इस कट के भीतर आराम से जा सके। कटिंग ऑलमोस्ट हो गई है दोस्तों। अभी हम सॉल्ट ऐड करेंगे। वन पीस लेमन निचोड़ें, हल्दी पाउडर, अच्छे तरीके से चारों तरफ हम हल्दी लेपन करेंगे। एक कटोरे में हम दही लेंगे। अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट को हम मिलाते हैं। और वही अदरक लहसुन पेस्ट को चिकन के ऊपर रैपिंग करेंगे चारों तरफ। ये कट के भीतर भी आना चाहिए चारों तरफ। कटोरे में दही लिया हुआ है और इसमें हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे हाफ चम्मच। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अभी हम चिकन मसाला का ऐड करेंगे। आप लोग अपना अंदाजे से लगा सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मिक्स करते जाइए। गरम मसाला, ना ज्यादा ना कम, आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। मिक्स करते जाना है। कश्मीरी मिर्च अपने पसंद के अकॉर्डिंग कम ज्यादा करिए।
कश्मीरी मिर्च जो कि कलर के लिए दिया जाता है, ग्रीन चिल्ली जो कि ग्राइंडिंग किया हुआ है, आप अपने हिसाब से ऐड कीजिए ताकि बच्चे भी खा सकें बड़े भी। सारे इंग्रेडिएंट ऑलमोस्ट मिक्स हो चुका है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इस चिकन के ऊपर चारों तरफ लेपन करना है अच्छे तरीके से। प्लास्टिक ग्लव्स पहन कर किया कीजिए क्योंकि इसमें चिल्ली ऐड है। चिकन को हमने अच्छे तरीके से लेपन कर अब हम इसको फ्रीज में रखेंगे 30 मिनट के लिए। थर्टी मिनट्स के बाद हम चिकन को इस ओवन के भीतर रोल डालकर उसको अच्छे तरीके से फिक्स करेंगे। उनके लेग्स को बांधना होगा ताकि स्थिर रहे, स्टेबल रहे, बॉडी में कॉन्टेक्ट ना आए ओवन के। हमने अच्छे तरीके से बांध दिए हैं और रोटेट भी कर रहे हैं, बॉडी में कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है। अभी दोस्तों पावर सप्लाई देना है ओवन को। इस ओवन का डिजाइन हम लोग खुद से किए हैं, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। 1.5 आवर के बाद हम लोग ऐसे ऑलमोस्ट रेडी हो गया है दोस्तों। हम लोग खोल के दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए रोटेट करके चारों तरफ पक चुका है और कुछ टुकड़े भी गिर गए हैं नीचे। अच्छे तरीके से पक चुका है, आप खाने के लिए रेडी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। एनी डाउट क्वारीज है तो कमेंट करें। धन्यवाद।